नमस्कार किसान साथियों, कैसे हो? आई होप कि ठीक ठाक होंगे और मजे कर रहे होंगे। भाई आज एक और वीडियो लेके आए हैं तीन घोड़ियों की। मतलब इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि इनका रहने की जगह और इनकी टेंट सेट। क्यों बाबा, आपका परिचय दो, एक बार नाम बताओ आपका। मेरा नाम जयपाल कटाड़ा है। जयपाल कटाड़ा, मोरिजा। मोरिजा गाँव अपना चोमू के अंदर, राजस्थान। चोमू तहसील। चोमू तहसील अपनी है बाबा। आपको ये घोड़ियों को काम करता है कितने हो? मेरे 35 साल हो गई। 35 साल हो गई है। अच्छा, ये लाल घोड़िया थी, अब नुकरी व्हाइट घोड़िया है। अच्छा, पहले लाल घोड़िया रखते थे आप? अब नुकरी घोड़िया। नुकरी घोड़ी सब। तो बाबा आप इनकी ब्रीडिंग भी करते हो क्या? बच्चे वगैरह लेते हो इनसे? बच्चे लेते हैं हम। अच्छा, बच्चे भी लेते हैं। कितनी घोड़िया रखते हो आप? थोड़ी चार पाँच घोड़ी है सब। चार पाँच घोड़ी है। तो इस वीडियो में कितनी घोड़ी दिखाओगे आप? तीन। तीन। अच्छा। तो बाबा आप मेरे को ऐसे बताओ, जैसे ये घोड़ियों की ठाण वगैरह है जो आप नहीं बनाए, तो ऐसे बताओ कि ठाण ठाण के अंदर कितना खर्चा आया आपके? सब ठाण में पट्टा खर्चा आ गया, 60,000 रुपया खर्चा आ गया। ठाण और पट्टियों के अंदर आ गया 60,000 रुपया खर्चा। 60,000 रुपये का खर्चा। और टैनों के अंदर ये जो चादर है इनमें कितना खर्चा आया? 45,000 रुपए। 45,000 ये खर्चा आया। उसके अलावा मिट्टी वगैरह ये अलग है। ये अलग है। लगभग कितना खर्चा लगा आपके? हो गया 80,000 हो गए। 80-85,000 हो गए टोटल। हो गया जिसमें बनाई थी उसकी मजदूरी भी आ गई। मजदूरी भी आ गई इसमें। तो बाबा आप अपनी घोड़ियां दिखाओ सबसे पहले। आप देखो साहब, घोड़ी देखो। पहले नंबर घोड़ी के बारे में बताओ, कितने महीने की? ये घोड़ी साहब 7 साल की है। 7 साल की घोड़ी। और लाइन कौन सी घोड़ी की है वैसे? ये ये काजल घोड़ी माती है। काजल घोड़ी है। काजल घोड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा। बाबा ये ब्रीडिंग पर्पस से रख रखे हो या साव में जाते हो? साव में, शूटिंग में। शूटिंग और साव में ले जाती है। अच्छा, अच्छा। कोई प्रोग्राम होते है सुन जाती है ये। तो दूसरी घोड़ी के बारे में बताओ, तो बाबा आप नई घोड़ी लाए हो? हाँ, ये ले आओ साहब, ये बच्ची है। ये दिखा रहा बाबा एक बार, कितने महीने की बाबा? ये 18 महीने बच्ची है। 18 महीने की बच्ची है। हाँ हाँ। वो कोई लाइन वगैरह की है या वैसे ही है? वैसे ही नॉर्मल है। नॉर्मल। ये कितने दांत है बाबा? कितने दांत है? अदंत है बच्ची है। अदंत है। हाँ, ये 3.5 लाख के ले आऊँ। 3.5 लाख रुपए इसकी रेट है। रेट है साहब। तो बाबा सेल परचेज का काम भी करते हो या वैसे शौक की परपस रखते हो? नहीं, शौक के लिए। सावा में शूटिंग चलती है। सावा और शूटिंग में। अच्छा, तो भाई बाबा के बेटे के नंबर मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, तो जिस भाई को कोई काम हो या कोई चीज पूछनी हो बाबा, तो वो कॉल कर देंगे आपको। है तो बाबा इसकी हाइट कितनी है अभी घोड़ी की? इसकी 58 हाइट है साहब। 58 बच्ची है। 58 की हाइट है इसकी। 18 महीने की बच्ची है। 58 हाइट है इसकी। अब जैसे बाबा आप लाए हो इसको, ये नई नई है, तो आप इसको सेट करने के लिए क्या डाइट दोगे इसको? इस हिसाब से घुमाएंगे फेरेंगे। मतलब इसको पहले तो आप पढ़ाइए इसको। हाँ, पढ़ाइए इसको। मतलब इसको सिखाओगे आप? सिखाएंगे। हाँ। और उसके अलावा डाइट क्या दोगे इसको खाने के अंदर? ऐसे ये जैसे चढ़ावे चना, जो जो तेल, दूध, तेल, गुड़, रंगा, दो ये डालते हैं। बाबा इनको चारों चारे में कौन सा चारा डालते हो आप? ये मूंगफली नीम डालते हैं। लोबड़ी नहीं है। रंजा। चलो बाबा तीसरी घोड़ी के बारे में बताओ बाबा, इसके बारे में बताओ बाबा। ये घोड़ी कितने साल की है बाबा? ये घोड़ी 5 साल की है साहब। और ये भी साव वगैरह में चलती है? साव चलती है। इसकी 63 हाइट है। 63 हाइट है। हाँ। अभी ये जो बच्चा है बाबा घोड़ी का, ये कौन सी घोड़ी का है? ये जो बच्चा है ना उधर, हाँ, वो कौन सी घोड़ी का है? इस घोड़ी का है। अच्छा, इस घोड़ी का है। हाँ, इसका है। पालोगे क्या आप बेचने के पर्पज से? वैसे पालते हैं, बेच भी देते हैं। अच्छा, कोई अच्छा रेट लगाएगा तो आप बेच भी बेच सकते हैं। ये देखो भाई बाबा, अब ये तीन घोड़ियां पाल रखे हैं। ये एक घोड़ी साहब में शूटिंग चलती है। तो बाबा आगे भी आपके साथ ऐसी वीडियो आती रहेगी? दवाई वगैरह इन पे जैसे बंदोरी निकलती है चाचा जी की? अच्छा अच्छा। वैसे फ्री लगाते हैं हम, पैसे से नहीं लेते। अच्छा, जो मंदिर के कार्यक्रम वगैरह होते हैं उनमें आप फ्री लगाते? फ्री लगाते हैं, पैसे नहीं लेता हूँ। तो बाबा ये बताओ, डांस वगैरह भी करती है घोड़िया? डांस भी करती है। अच्छा अच्छा। डांस भी करती है, चार पाई पे नाचती है घोड़ी पर। घोड़ी नाचती है। खाट है मेरे पास।
ये मतलब पूरा काम है साउथ वगैरह का? साउथ वगैरह का। चलो भाई नीचे मतलब ये नंबर है, इन पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बाबा जैसे आगे जो वीडियो आएगी अपने आप के साथ तो जैसे इनके हो गई, खाने पे हो गई और चीजों पे आती रहेगी है, तो बड़ा हो गया पक्का है। चलो ठीक है भाई, पक्के भाई वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और बाबा एक बताओ तो नए युवा जो बॉडी मतलब पालना चाहते हैं उनका आपको क्या कहना है? मतलब उसको तो इसकी पहल पे देर देर करनी है बच्ची को, पानी पाना खुराक दूध पाना टेम सब टेम इंसान की होती है, इसी गोड़ की होती है। अच्छा इनको मतलब तरीके से इनकी तरीके से पहले वैसे नहीं, आप जो भैंस गऊ पशु को जुगा जैसे चारने मिलता है इनको। तो कोई नया अगर युवा अगर काम करना चाहता है तो बाबा इनके मेन पर्पज जैसे साउथ वगैरह से पैसे कमाना होता है, इनके बच्चों से ऐसे भी कमाया जा सकता है? वैसे बच्चे भी साउथ में लेते हैं, बच्चे भी लेते हैं। अच्छा अच्छा इनकम है मतलब? हाँ ठीक है। कोई युवा अगर नौकरी ना करके इनसे भी कमा सकता है क्या? हाँ जी नहीं सर, इससे सरीजे होती है सर, तो नौकरी करना तो जरूरी है, उसके साथ साथ आप ये पाल सकते हैं। कर सकते हैं आप? अच्छा अच्छा कर सकते हैं सब बोर्ड साथ साथ में कर सकते हैं। ये भाई एक बच्ची है, ये बड़ी होगी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। थैंक यू।